एस कुमार बाराबंकी का, एस कुमार रोटोवेटर, एस कुमार रोटोवेटर में अब नई सीरीज डीवीआर सीरीज। डीवीआर सीरीज का मतलब है कि रूटर जिसमें ब्लेड बंधे होते हैं उसमें एक बैरिंग की जगह पे दो दो बैरिंग लगाई जाती है और उसकी वजह से रोटोवेटर चलने में बहुत ही हल्का चलता है और मजबूती भी दुगनी हो गई। भाई वाह, ये तो बड़ी कमाल की चीज है। और रोटोवेटर चलते समय जुताई भी बहुत गहरी करता है और मजबूती भी दुगनी आ गई। तो किसान भाइयों, आज ही लाइए एस कुमार बाराबंकी का डीवीआर सीरीज एस कुमार रोटोवेटर। एस कुमार बाराबंकी का एस कुमार रोटोवेटर, एस कुमार रोटोवेटर में अब नई सीरीज डीवीआर सीरीज। डीवीआर सीरीज का मतलब है कि रूटर जिसमें ब्लेड बंधे होते हैं उसमें एक बैरिंग की जगह पे दो दो बैरिंग लगाई जाती है और उसकी वजह से रोटोवेटर चलने में बहुत ही हल्का चलता है और मजबूती भी दुगनी हो गई। भाई वाह, ये तो बड़ी कमाल की चीज है। और रोटोवेटर चलते समय जुताई भी बहुत गहरी करता है और मजबूती भी दुगनी आ गई। तो किसान भाइयों, आज ही लाइए एस कुमार बाराबंकी का डीवीआर सीरीज एस कुमार रोटोवेटर। एस कुमार बाराबंकी का एस कुमार रोटोवेटर, एस कुमार रोटोवेटर में अब नई सीरीज डीवीआर सीरीज। डीवीआर सीरीज का मतलब है कि रूटर जिसमें ब्लेड बंधे होते हैं उसमें एक बैरिंग की जगह पे दो दो बैरिंग लगाई जाती है और उसकी वजह से रोटोवेटर चलने में बहुत ही हल्का चलता है और मजबूती भी दुगनी हो गई। भाई वाह, ये तो बड़ी कमाल की चीज है। और रोटोवेटर चलते समय जुताई भी बहुत गहरी करता है और मजबूती भी दुगनी आ गई। तो किसान भाइयों, आज ही लाइए एस कुमार बाराबंकी का डीवीआर सीरीज एस कुमार रोटोवेटर। एस कुमार बाराबंकी का एस कुमार रोटोवेटर, एस कुमार रोटोवेटर में अब नई सीरीज डीवीआर सीरीज। डीवीआर सीरीज का मतलब है कि रूटर जिसमें ब्लेड बंधे होते हैं उसमें एक बैरिंग की जगह पे दो दो बैरिंग लगाई जाती है और उसकी वजह से रोटोवेटर चलने में बहुत ही हल्का चलता है और मजबूती भी दुगनी हो गई। भाई वाह, ये तो बड़ी कमाल की चीज है। और रोटोवेटर चलते समय जुताई भी बहुत गहरी करता है और मजबूती भी दुगनी आ गई। तो किसान भाइयों, आज ही लाइए एस कुमार बाराबंकी का डीवीआर सीरीज एस कुमार रोटोवेटर। एस कुमार बाराबंकी का एस कुमार रोटोवेटर, एस कुमार रोटोवेटर में अब नई सीरीज डीवीआर सीरीज। डीवीआर सीरीज का मतलब है कि रूटर जिसमें ब्लेड बंधे होते हैं उसमें एक बैरिंग की जगह पे दो दो बैरिंग लगाई जाती है और उसकी वजह से रोटोवेटर चलने में बहुत ही हल्का चलता है और मजबूती भी दुगनी हो गई। भाई वाह, ये तो बड़ी कमाल की चीज है।